हमने कहा है कि जो काम चल रहा है, चाहे कृषि रोड मैप का हो, कौशल विकास का हो, मिशन मानव विकास का हो, चाहे बुनियादी ढांचे के विकास का हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। उसके अलावे हमने तय किया है कि उसके अलावे जो हम काम कर रहे हैं, हर लड़के को जो 12वीं कक्षा के बाद पढ़ना चाहेगा उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा, किसी बैंक से 4 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है आगे की पढ़ाई के लिए, और उसमें राज्य सरकार की तरफ से ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी 3% की। यही नहीं, उसको आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अगर कोई आदमी कहीं रोजगार तलाशना चाहता तो उनके माँ बाप को इतना पैसा नहीं है कि रोजगार तलाशने के लिए उसको ट्रेन का भाड़ा, बस का भाड़ा, वहां रहने का, खाने का पैसा दे। इसलिए हम लोग देंगे स्वयं सहायता भत्ता, रोजगार तलाशने के लिए कोई जाएगा 20 से 25 बरस की उम्र, कोई कौशल सीखना चाहेगा उसको कौशल सिखाएंगे, कोई उद्यम करना चाहेगा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसके लिए 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड होगा, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मुफ्त वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा। तो ये सब काम युवाओं के लिए हम लोग करेंगे। महिलाओं को आज पुलिस की नौकरी में 35% आरक्षण दिया है हम लोगों ने, सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। आज हर घर को नल का पानी मयस्सर नहीं है, बिहार में 4% लोगों को नल का पानी मयस्सर है, यकीन मानिए, मौका दीजिए, अगले 5 साल में बिहार के हर घर में नल का पानी पहुंचा देंगे। 2016 तक बिहार के हर गांव और बसावट में बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बाद सरकार के खर्चे से हर घर को बिजली का कनेक्शन हम लोग दे देंगे ताकि हर घर रोशन हो, चाहे बिजली हो। आज गांव तक सड़क बन रही है लेकिन गांव की गलियों में कीचड़ है, गांव में नाली नहीं है, यकीन मानिए हर बसावट में पक्की गली और नाली का निर्माण हम लोग करा देंगे, ताकि जैसे बाहर से आके गांव तक आपका पैर गंदा नहीं होता है, घर के दरवाजे तक उसी प्रकार से पहुंच जाइए। और यही नहीं, लोगों के पढ़ने के लिए और नए इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल, पॉलिटेक्निक, सब तरह का पैरामेडिक इंस्टीट्यूट, ITI सब खोले जाएंगे, ताकि कोई जो करना चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक वो काम करे। और जो काम चल रहा है उसके अलावे 5 साल में ये काम करेंगे, अनुमान लगाया है 2,70,000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, खर्च का इंतजाम होगा। कह रहे पैसा कहाँ से आएगा, अरे मन और इरादा अगर मजबूत होता है तो पैसे का भी प्रबंध होता है। बिहार आगे बढ़ रहा है, हमारी अपनी आमदनी बढ़ रही है, हमारी कर्ज लेने की सीमा बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा, हमारा अपना रिसोर्सेज बढ़ रहा, हम ये सब काम हम लोग करेंगे।